हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्लास 7th मैथमेटिक्स वर्कशीट 17. डेट इज 24th नवंबर 2020 एंड टॉपिक इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल. तो लास्ट क्लास में भी हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सीखा था, वो भी टू क्राइटेरिया पे. एक था हमारा SSS और एक था SAS. तो अब पहले थोड़ा रिवाइज करें. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल बनाने के लिए हमें मैक्सिमम कितने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट चाहिए होते हैं? दे आर थ्री. तीन चीज़ें हमें चाहिए होती हैं. नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगुलर पोस्टर ऑफ मेजरमेंट 6, 8 and 10 सेंटीमीटर. राइट द स्लोगन रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ. कि हमें एक 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इस मेजरमेंट के हमें एक ट्राइंगल बनाना है, एक पोस्टर बनाना है और उस पर लिखना है रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ. थर्ड, रजत वाज आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद डायमेंशन 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बट ही वाज अनेबल टू कंस्ट्रक्ट. गिव रीजन. तो अब हमने ये भी सीखा था कि ट्राइंगल की दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी साइड से ज़्यादा होगा, तभी हमारा ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है. तो अब हाँ, यहाँ चेक करते हैं कि क्या साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा है. तो 6 plus 3 that is 9, 9 इज ग्रेटर देन 2, ये तो हो गया. नेक्स्ट 3 plus 2 that is 5 और थर्ड साइड है हमारी 6 बट 5 इज लेस देन 6. तो दो साइड्स का सम तीसरी साइड से कम आया, देयरफॉर ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल. इसलिए रजत का जो ट्राइंगल था वो नहीं बन पाया. अब दो क्राइटेरिया हम ऑलरेडी देख चुके हैं कंस्ट्रक्शन के. अब देखते हैं बाकी के दो क्राइटेरिया, यानी ASA, टू एंगल्स एंड डिसाइड बिटवीन टू एंगल्स, एंड फोर्थ इज इन ए राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस एंड अ साइड. कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल होगा जिसमें हमें हाइपोटेनस पता है और कोई एक साइड हमें पता है. तो अब देखें इनसे हम कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारा क्राइटेरिया ASA. तो हमारा काम क्या होता है, जो भी हमें कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है हम पहले बनाते हैं एक रफ स्केच, यानी प्लानिंग करते हैं. तो कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल XYZ इफ़ इट इज़ गिवन दैट XY इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल ZXY 30 डिग्री एंड एंगल XYZ इज इक्वल टू 100 डिग्री. तो एंगल ZXY का मतलब हमारा एंगल X पर होगा, X पॉइंट पर, और XYZ में एंगल बनेगा पॉइंट Y पर. तो सबसे पहला काम रफ स्केच, हमने XY ले लिया, ये हमारा 6 सेंटीमीटर होगा, X पे 30 डिग्री का एंगल हो गया और Y पे हमारा 100 डिग्री का एंगल हो गया और ये हो गया पॉइंट Z. अब इस रफ स्केच को फॉलो करते हुए हम बनाएंगे हमारा फाइनल स्केच. यानी सबसे पहले हमारी ट्रायंगल की बिल्डिंग का बेस, बेस है हमारा हमारी साइड XY. तो वो हमने हमारे स्केल से मेज़र करके 6 सेंटीमीटर ड्रॉ की. नेक्स्ट स्टेप, हमें X पे चाहिए 30 डिग्री एंगल, तो D का यूज़ करते हुए हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया. ये हो गया 30 डिग्री, इसको नेम कर देते हैं कि ये P है, ठीक है. नेक्स्ट Y पे 100 डिग्री, यानी अब कंपास हमारा जो D है उसे यूज़ करते हुए हम 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यानी 90 से ज़्यादा हमारा 100 डिग्री. तो ये हो गया पॉइंट Q, Q लाइन ले ली हमने, और जहाँ ये दोनों एंगल्स की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये है हमारा पॉइंट Z, और ये हो गया कंप्लीट ट्राइंगल XYZ वेयर एंगल X इज 30 डिग्री, एंगल Y इज 100 डिग्री एंड साइड XY इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. हो गई कंस्ट्रक्शन. अब देखते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया. नेक्स्ट क्राइटेरिया है RHS, यानी राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें हमें एक हाइपोटेनस दिया हो और एक साइड दी हो. तो कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN राइट एंगल डेट M गिवन दैट LN इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड MN इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो अगेन सबसे पहले रफ स्केच. तो हमने MN, अब हमें देखना है LN को हमें बेस बनाना है कि MN को बेस बनाना है. तो इसको बेस चूज करते समय हमेशा हम ध्यान देते हैं कि हमें एंगल कौन से पे दिया हुआ है पॉइंट पे. तो यहाँ राइट एंगल M पे है, तो M किस साइड में आ रहा है हमारा, LN में तो M नहीं है, MN में है, तो हम MN को हमारा बेस लेंगे. तो MN साइड जो है वो नीचे रहेगी, M पे हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा और LN जो साइड होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर की. तो ये एंगल
एल एम एंड ट्राइंगल बन गया हमारा, ये 3 सेंटीमीटर। तो अब इसे फॉलो करते हुए हम करेंगे फाइनल कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले बेस यानी एम एन, वो हमने स्केल की हेल्प से ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर्स, ये 3 सेंटीमीटर्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप एम पे 90 डिग्री एंगल, तो एम पे हम डी की हेल्प से या कंपास की हेल्प से, हमने लास्ट वीडियो में 90 डिग्री एंगल बनाना सीखा था, हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया 90 डिग्री, इस साइड को नेम कर देते हैं एक्स। अब हमें चाहिए एल एन 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स हमें कंपास को 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करना है और उसकी नोक को, उसके पॉइंट को एन पे रखते हुए हमारे जो 90 डिग्री एंगल की लाइन है ना, इसको कट करते हुए 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। ये लग गई हमारी आर्क और ये अब ट्राइंगल बन गया हमारा कंप्लीट। ये पॉइंट मिल गया हमें एल, एल एम एन, और ये हमारी साइड 5 सेंटीमीटर की हो गई। हो गई कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, यानी हमें प्रैक्टिस करना है, हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच एंगल पी 60 डिग्री एंड एंगल क्यू इज 30 डिग्री एंड क्यू आर 4.8 सेंटीमीटर आर गिवन। तो अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो सॉल्यूशन वन, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो देखें। हमारे पास है एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड साइड क्यू आर इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। तो अब रफ स्केच बनाएं। क्यू आर हमारे नीचे साइड हो गई, एक एंगल पी, पी दिया हुआ है लेकिन साइड तो नीचे, बेस में क्यू आर है, तो हमें तो चाहिए एक एंगल क्यू हो हमारे पास, वो तो 30 डिग्री है लेकिन आर की वैल्यू तो नहीं दी हुई। तो आर की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके। सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इट मीन्स एंगल P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो R की वैल्यू हमें कैसे मिल जाएगी, एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री और उसमें से P और Q का सम हम माइनस कर देंगे, यानी 60 प्लस 30 डिग्रीज जो हैं ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल R आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, हमारे एंगल Q तो 30 डिग्री हमारे पास था ही और एंगल R आ गया है 90 डिग्री। तो इट मीन्स ये हो गया हमारा कंप्लीट रफ स्केच पी क्यू आर। अब इसे फॉलो करते हुए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारा फाइनल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमने बेस ड्रॉ किया क्यू आर विच इज़ 4.8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमने स्केल की हेल्प से 4.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। अब Q पे बनाना है हमें 30 डिग्री का एंगल, तो ये बना दिया हमने 30 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ D, D की हेल्प से हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गया 30 डिग्री। अब R पे बनाना 90 डिग्री, तो हम कंपास की हेल्प से या फिर D की हेल्प से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया 90 डिग्री। तो ये हमारी लाइन हो गई QX और ये है RY, और ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ये हो जाएगा हमारा पॉइंट P। तो ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, और आप स्केल अपने D से अगर एंगल P को मेज़र करोगे तो ये अपने आप 60 डिग्री आएगा, और वही हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज 120 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री, बी सी इज 5 सेंटीमीटर आर गिवन, गिव रीजंस। तो अब हमें बताना है कि क्या ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। नाउ सॉल्यूशन टू, तो हमें क्या दिया हुआ है कि एंगल बी और एंगल सी जो है, एंगल बी हमें दिया हुआ है 120 डिग्री और एंगल सी जो है दैट इज 60 डिग्री, ये हमें गिवन है। तो अब हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, इट मीन्स अगर हमारा रफ हम डायग्राम बनाएं, ए बी सी ये ट्राइंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है इट शुड बी 180 डिग्री। तो अब हम एंगल ए की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 में से हम एंगल बी प्लस सी यानी 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो एंगल ए हो गया 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, दैट इज़ एंगल ए इज इक्वल टू 0 डिग्री।
तो इज इट पॉसिबल कि एंगल ए जो है ट्राइंगल का एक एंगल 0 डिग्री का हो जाए? सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हमारा एक एंगल जो है वो 0 डिग्री का हो ट्राइंगल में नहीं. देयरफॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल. इसलिए हमारे कंस्ट्रक्शन जो है इस ट्राइंगल की वो पॉसिबल नहीं है. तो ये है हमारी आज की वर्कशीट. मिलते हैं एक और वीडियो में. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स.